अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू सिट स्टेशन। आज हम बहुत ही मज़े का एक क्विक सा स्नैक बना रहे हैं, ज़ुकीनी फ्रिटर्स, जिसके लिए आपको 2 मीडियम साइज ज़ुकीनी चाहिए होंगी, जिसको आप ग्रेट कर लेंगे और इसको स्क्वीज़ करके अच्छे से सारा इसका जो वाटर है वो निकाल लेना है आपको। आपने लेना है इसमें फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट और भुना कुटा ज़ीरा, और एक एग चाहिए होगा आपको। अब एक बोल लेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपने डाल देनी हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये आपने सारी चीज़ें उस पर करनी है जब आप बिल्कुल फ्रिटर्स बनाने के लिए रेडी हो। आप इसको इस तरीके से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर दोबारा से पानी इसमें से निकल आता है और फिर वो एक मुशी सा मिक्सचर बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मेक श्योर जब आप बिल्कुल रेडी हो, इसके बाद आपने फौरन इसको शैलो फ्राई करना है, तो आप ये सारी चीज़ें इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, वरना ये मुशी हो जाएगा। अब मैं इस तरीके से सारी चीज़ें मिला के इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। अब यहाँ मैंने पैन में बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, और इसको इस तरीके से फ्लैट करके आपने फ्राई करना है। इसको आपने बार बार टर्न नहीं करना, एक दफ़ा एक साइड से कलर आ जाए तो फिर दूसरी साइड पे फ्लिप करिएगा, अभी इसको फ्लिप करने की मत सोचिएगा। आपका पैन मीडियम हॉट होना चाहिए, आपका ऑयल भी मीडियम हॉट होना चाहिए, और आप इस तरीके से सारे फ्रिटर्स बना लेंगे वन बाय वन। अब इस टाइम पे थोड़ा सा आप साइड में से इसको प्रेस कर दीजिए ताकि एक अच्छी सी इसकी शेप फॉर्म हो जाए, और ये वो टाइम है अब जब हमें इसको फ्लिप करना है और इसको दूसरी साइड से कलर देना है। ये बहुत ही हेल्दियर वर्जन है फ्रिटर्स का, रमज़ानों में जो लोग डाइट करना चाहते हैं, जो लोग बहुत अनहेल्दी खाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट है। शाम में कभी स्नैकिंग का दिल चाहता है तो उस टाइम भी आप बना के ये खा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है ज़ुकीनी फ्रिटर्स रेडी। अब आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है। बहुत क्विक रेसिपी होती है और बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel. You can follow me on Instagram and on Facebook. Allah Hafiz.